हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में एज अ टीचर ज्वाइन करना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली है। पूरी वीडियो देख लोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। लाइक और शेयर करना है, सब्सक्राइब तो आप कर ही देते हो चैनल को, तो इस वीडियो को लाइक और अपने किसी दोस्तों तक भेजना है इस वीडियो को, या किसी रिश्तेदार तक इस वीडियो को पहुंचाएं, या किसी सहेली तक इस वीडियो को जरूर से ज़रूर पहुंचा दें। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन में आए हुए रिक्रूटमेंट के बारे में। उससे पहले एक छोटा सा प्रमोशन। जी हाँ, अगर किन्हीं को KBS के 93 पेपर्स लेने हैं, एक्चुअली ये KBS के नहीं, DSSSB NBS के भी पेपर आपको मिल जाएंगे, और इसके लिए आपको बस ओनली 50 रुपीज़ पे करना है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो मुझे मेल कर सकते हैं yourmithunsingh@gmail.com पे। अगर इंस्टा पे हो तो फॉलो कर लीजिए @imithunsingh। आपको पेपर मिल जाएंगे ओनली 50 रुपीज़ में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी जो रिक्रूटमेंट आई हुई है उसके बारे में। तो देखिए, यहाँ पर आपको डेट दिख रहा होगा 18/9/2021, यानी कि आज के डेट में ही यह रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो आपको डाउनलोड वाले सेक्शन पर क्लिक करना है और PDF आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी। तो देखिए, यह जो PDF है इसे मैं ओपन करूंगा और आपके सामने सारे चीज़ों को बिल्कुल आसान भाषा में रखने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, यहाँ पे PGT फिजिक्स और साइकोलॉजी की रिक्रूटमेंट आई है। इंटरव्यू का जो डेट रखा गया है वो 25/9/2021 9 बजे सुबह में रखा गया है। तो आपको 8 बजे पहुँचना है, 9:30 बजे, 8 से 9:30 के बीच में, ताकि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो पाए। और क्वालिफिकेशन वगैरह के लिए देखिए, जब आप PG टीचर बनने के लिए जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका प्लस BEd होना ज़रूरी है। CTET की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती है। तो ये दो चीज़ों के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हो। याद रखिएगा, यह एकदम बिल्कुल क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से कि आप देख सकते हो, आपको धोखे में रखने वाली बात नहीं है। आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पर लेकर जाना है, कोई भी एक पहचान पत्र यानी कि ID प्रूफ लेकर जाएँ यहाँ पर। और इंटरव्यू यह जो आई हुई है वो मैं आपको बता दूं, यह रिक्रूटमेंट आई हुई है KBS केंद्रीय विद्यालय संगठन आगरा से। एक बार मैं आपको वेबसाइट की ओर लेके चलता हूँ ताकि आप सारी चीज़ों को समझ पाएँ। यहाँ से देख सकते हो आप वेबसाइट इसकी, मैं लिंक भी आपको बता देता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हो। वेट ए मिनट, जी हाँ, ये देखिए, ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, bulandshahar.kbs.ac.in पर आप जाकर के सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। यहाँ से भी आप वेबसाइट के बारे में देख सकते हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही। यू गाइस आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।